यूपी में फिर एक बार तनाव है, पता तो करो क्या चुनाव है। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और उपचुनाव से ठीक पहले योगी आदित्यनाथ की सरकार ने हिंदू बनाम मुस्लिम का माहौल बनाने के लिए कांवड़ यात्रा को बहाना बनाया है। यूपी में कांवड़ रूट पर पड़ने वाली सभी दुकानों, होटल्स और रेहड़ी पटरी वालों को उनका नाम लिखने का आदेश दिया है कि अपने नाम की तख्ती लटका दो। पहले सिर्फ मुजफ्फरनगर जिले के अधिकारी ने ये आदेश दिया था, लेकिन आज यूपी सरकार ने पूरे यूपी में इस आदेश को लागू कर दिया। होटल, ढाबे और फल वगैरह बेचने वालों को निर्देश दिया गया है कि दुकानदार अपना नाम या वहां काम करने वालों के नाम लिखें। पूरे यूपी में कांवड़ मार्गों पर खाद्य पदार्थों की दुकानों पर नेम प्लेट लगानी होगी। कांवड़ यात्रियों की आस्था की पवित्रता बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया है। हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पाद बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। ये जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय ने आज जारी की। हिंदू मुसलमान, बीजेपी की सरकारों के लिए मुसलमान एक ऐसा मसला है जिसके सहारे उसकी पूरी राजनीति चलती है। जरा सोचिए, अगर हमारे देश में मुसलमान ना होते तो ना ही मोदी प्रधानमंत्री बन पाते और ना ही योगी यूपी के मुख्यमंत्री, क्योंकि बिना मुसलमानों को टारगेट किए मोदी योगी की राजनीति ही पूरी नहीं होती। आरएसएस बीजेपी की राजनीति खत्म हो जाती अगर मुसलमान ना होते। हर बात में हिंदू मुसलमान करना और हर बात में नफरत को बढ़ावा देना, बीजेपी की राजनीति का बस यही केंद्र रह गया है। अब यूपी के मंत्री ने ये तक कह दिया कि मुसलमान हिंदुओं के नाम पर होटल खोल रहे हैं। यूपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि मैंने ही दुकानों पर नेम प्लेट लगाने की मांग की थी। मुस्लिम हिंदुओं के नाम पर दुकान खोलते हैं, हिंदू देवताओं के नाम पर मुस्लिम होटल चला रहे हैं। बीजेपी के साथ साथ हिंदू संगठन भी इस फैसले को सही बता रहे हैं। कुछ संगठनों ने तो हद ही कर दी, वो ये तक कह गए कि मुसलमान खाने पीने की चीजों और फलों पर अपना थूक लगा देते हैं। हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने तो ये तक कह दिया कि ये फैसला पूरे देश में लागू होना चाहिए। जहां जहां हिंदू धर्म स्थल हैं वहां ऐसे नाम लिखना चाहिए, क्योंकि लोग थूक जिहाद करके हमारी धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं। अब आप सोचिए, मुसलमानों के नाम पर नफरत किस कदर बढ़ चुकी है। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, कभी उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जाते हैं तो कभी उनकी लिंचिंग की जाती है, कभी उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है तो कभी उन्हें इस तरह से परेशान किया जाता है। ये व्यवहार एक तरह से मुसलमानों को सामाजिक रूप से अछूत बनाने जैसा है। खुद बीजेपी के मुस्लिम नेता ये बात कहने लगे। बीजेपी के मुस्लिम नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी पहले कहा कि ये छुआछूत को बढ़ावे देने वाला है, लेकिन जब ये फैसला यूपी की योगी सरकार ने जारी कर दिया तो नकवी ने यू टर्न मार लिया और कह दिया कि इस फैसले में कुछ भी गलत नहीं है। योगी सरकार के इस फैसले की हर ओर आलोचना हो रही है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने इस बारे में ट्विटर पर लिखा, यूपी और उत्तराखंड सरकार द्वारा कांवड़ मार्ग के व्यापारियों को अपनी अपनी दुकानों पर मालिक व स्टाफ का पूरा नाम प्रमुखता से लिखने व मांस बिक्री पर भी रोक का ये चुनावी लाभ हेतु आदेश पूर्णतया असंवैधानिक है। धर्म विशेष के लोगों का इस प्रकार से आर्थिक बायकॉट करने का प्रयास अति निंदनीय है। ये मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार नहीं है तो क्या है? जिस तरह से हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत फैलाई जा रही है, उससे मुस्लिम दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों के काम पर असर पड़ा है। कई दुकानदारों ने कहा कि उनकी बिक्री घट गई है, ये लोग मुसलमानों के नामों के पीछे पड़ गए हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने एक सवाल पूछ लिया। उन्होंने कहा, जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है, उसके नाम से क्या पता चलेगा? यही सवाल कांग्रेस ने भी पूछ लिया और बीजेपी पर असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगा दिया। क्या क्या तमाशे करते हैं ये लोग, मतलब कभी तो जोड़ने की बात करो, कितना तोड़ेंगे। इस देश ने आपकी इसी राजनीति को नकार कर 63 कम करके आपको बैसाखियों का सहारा दे दिया है। और मैं कुछ बोलूं इससे पहले इनके खुद के घटक दल क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए। आरजेडी से लेकर आरएलडी तक सब इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं ऐसा कानून वापस होना चाहिए। हम क्या समाज बनाने जा रहे हैं? भगवान ना करे अगर एक्सीडेंट हो जाए और डॉक्टर वहां पर मुसलमान हो तो इलाज कराइएगा कि नहीं कराइएगा? खून अगर मुसलमान से लेना पड़े, एक ही व्यक्ति हो, तो लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा या मर जाइएगा? मतलब हम क्या समाज बना रहे हैं? हम किन चीजों में पढ़ रहे हैं? इन चीजों में इसलिए पढ़ रहे हैं जिससे कि आप इस भयावह इकोनॉमिक त्रासदी की, भयावह बेरोजगारी की, भयावह महंगाई की, आर्थिक असमानता की, बढ़ते हुए ऋण की, घटती हुई आय की, खत्म होती खोखली होती बचत की बात मत करिए।
इसी में उलझे रहिए, कौन तख्ती लगा रहा है कौन नहीं लगा रहा है, ये मत पूछिए कि मेरे बच्चों का एजुकेशन बजट आपकी हिम्मत कैसे हुई 7% काटने की। इसी में उलझे रहिए, कौन तख्ती लगाएगा कौन नहीं लगाएगा। अरे सेब अब्दुल बेचे या अनिल बेचे, सेब मीठा होना चाहिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और मैं एक बात और आपको बता दूं, ये थोड़ी मेरे लिए निजी बात है, ये जाहिल वही लोग हैं जो अयोध्या हारने पर हिंदुओं का बहिष्कार करने की वकालत कर रहे थे, जो कहते थे अयोध्या जाओ तो अपना पानी लेके जाओ, अपना खाना लेके जाओ, अपनी पूजा की सामग्री लेके जाओ, ये हिंदुओं का भी बहिष्कार करते हैं। ये किसी के सगे नहीं है, ये सिर्फ अपनी गंदी राजनीति की रोटियां सेकने का काम करते हैं। ऐसे नफरती चिंटुओं से बचना चाहिए, लेकिन असलियत ये है कि नफरत फैलाने के अलावा बीजेपी को दूसरा कोई काम नहीं आता है, लेकिन लोगों ने इसको नकार दिया है। विपक्ष समेत एनडीए के घटक दल भी इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन राजनीति ऐसी है कि कोई सामने आकर विरोध नहीं करना चाहता, लेकिन बीजेपी वाले इस नफरत को भड़काने में लगे हुए हैं। बीजेपी ने विपक्ष पर ही आरोप मढ़ दिए। देखिए, ये एक प्रशासनिक विषय है, सुरक्षा और संवेदनशीलता का विषय भी हो सकता है, कहीं पर कोई ऐसी चीज सिक्योरिटी रिलेटेड होती है तो वो सरकार अपने, मगर मुझे एक बात नहीं समझ में आती है, ये पता नहीं क्यों हमारे विरोधी कोई भी विषय होता है तो नाम और पहचान छुपाने वालों के साथ क्यों खड़े हो जाते हैं। विषय कोई भी हो, मतलब वो आसाम से लेके केरल तक हो, वो विषय सुरक्षा से लेके केरल हाई कोर्ट के द्वारा यूज किए गए और वीएस अच्युतानंदन के द्वारा यूज किए गए लव जिहाद का हो, मगर पहचान छुपाने वालों के लिए इतने अरमान दिल में क्यों छुपे रहते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ाने वाले प्रोफेसर जितेंद्र मीणा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक दिलचस्प पोस्ट शेयर की है। इस तस्वीर में आपको हिटलर के जमाने में जर्मनी में दुकानों के बाहर लिखे नाम दिखाई दे रहे होंगे। इस पर प्रोफेसर मीणा लिखते हैं, हिटलर ने जर्मनी में भी कुछ इस तरह से यहूदियों के मकानों दुकानों पर लिखवा दिया था, उस समय भी इसे सामान्य घटना मानकर छोड़ दिया गया था, फिर करोड़ों लोगों को गैस चैम्बर्स में डाल दिया गया। भारत में भी कुछ इस तरह का हो रहा है, यदि आप नहीं बोलोगे तो फिर मुंह कब खोलोगे। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी यूपी सरकार के फैसले का विरोध किया है। ओवैसी ने संविधान का हवाला देकर इस फैसले को संविधान विरोधी करार दिया। इसलिए कंडेम करते हैं कि ये संविधान के आर्टिकल 17 का वायलेशन है जो अनटचेबिलिटी की बात करता है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रही है। इस तरह का ऑर्डर देकर के नाम रखना और अपने रिलीजन का इजहार करना बताना, ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का भी वायलेशन है और आर्टिकल 19 राइट टू लाइवलीहुड का भी ये वायलेशन है। दूसरी बात ये है कि जब से वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऑर्डर दिया है, मुजफ्फरनगर में जितने ढाबे हैं उन ढाबों से मुस्लिम एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया गया है। तीसरी बात ये है कि उस हाईवे के ऊपर मैकडोनल्ड है, KFC है, पिज़्ज़ा हट है, आपके कैफे कॉफ़ी डे है, उसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हैं लोग, उनसे क्या कुछ बातचीत हो गई क्या आपकी। पांचवी बात यह है कि ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है, ये क्रिस्टल नाट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई आप होते कौन हैं ये करने वाले, क्या एक यात्रा का इतना उनको आप इम्पोर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे आप। 2015 में कॉमेडियन जावेद जाफरी ने एक कार्यक्रम में व्यंग किया था जो आज के हालात पर एकदम फिट बैठता है। यह उनका ओरिजिनल राइटअप है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन दिलचस्प है इसलिए आपके साथ साझा कर रहा हूँ। वो कहते हैं, नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया, गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया, ये पेड़ पत्ते ये शाखें भी परेशान हो जाए, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं, सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए, ना जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। जिस तरह से धर्म और मजहब के नाम पर हम रंगों को भी बांटते जा रहे हैं कि हरा मुसलमान का है और लाल हिंदू का रंग है, तो वो दिन दूर नहीं जब सारी की सारी हरी सब्जियां मुसलमानों की हो जाएंगी और हिंदुओं के हिस्से बस टमाटर और गाजर ही आएंगे। अब ये समझ नहीं आ रहा कि ये तरबूज किसके हिस्से जाएगा, ये तो बेचारा ऊपर से मुसलमान और भीतर से हिंदू रह जाएगा।
अब आप भी सोचिए और कमेंट में इसका जवाब लिखिए। इस वीडियो में इतना ही साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपसे अपील है कि द न्यूज़ वीक को सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।